जिला प्रशासन के निर्देश पर महुआ मंडी में 5 दुकानों पर निर्धारित रेट पर आलू प्याज की बिक्री निरंतर जारी है, जिसके संबंध व्यापारी हाजी शाह मोहम्मद ने बताया कि 4 नवंबर से आलू 35 रुपए किलो और प्याज 55 रुपए किलो पर बिक्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को एक बार में 2.5 किलो से 5 किलो तक आलू प्याज बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 11 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक दुकान पर आकर आलू प्याज की खरीदारी कर सकता है। यह प्रक्रिया जब तक दामों में कमी नहीं आ जाती है तब तक जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आलू प्याज के विक्रेताओं ने कहा, हाजी शाह मोहम्मद में सरकारी रेट क्या है? कोई 55 रुपए प्याज बिक रहा, 35 रुपए का आलू। यह प्रक्रिया अभी कब तक जारी रहेगा? अब जब तक शासन प्रशासन कह रहा है, मतलब कहेंगे तब तक कर नहीं, मतलब ये कि जब तक तेजी भी है मार्केट में, जब तक नीचे नहीं आ रहा तब तक चलता ही रहेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए प्याज या आलू लेने आ रहा तो उसको कितना दिया जाएगा? 2.5 किलो से लेकर 5 किलो तक। अभी तक लगभग क्या अनुमानन कितना बिक्री हो चुका है? अनुमानन कम से कम हम समझते हैं कि एक दुकान पे कम से कम 20-25 कुंटल आलू बिके होंगे और करीब 10 कुंटल तक प्याज बिके होंगे एक एक दुकान पे। बाकी और भी ऐसी दुकानें 5 जगह चल रही हैं, वैसे हर जगह बिक रहे हैं। कितने बजे तक ये? 11 बजे से लेके 4 बजे तक चलते हैं। दुत्ता ट्रेडिंग कंपनी। इस समय सरकारी रेट कितना दिख रहा है? भाई हमारे सचिव मशेर साहब के आदेश से हम लोग सरकारी रेट आलू 35 रुपये, प्याज 55 रुपये के हिसाब से फुटकर बेचा जा रहा है उनके कहे मुताबिक। और चूँकि इस भाव में पड़ते नहीं हैं, पीछे नासिक में भी 50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज है, पड़ते तो नहीं लग रहे हैं, मगर चूँकि भाई सरकार के साथ हम लोग हैं, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे हम लोग फुटकर वालों को राहत देने के लिए। हम लोग आलू फुटकर में 35 रुपये किलो, प्याज 55 रुपये किलो बेचा जा रहा है। एक बार में एक व्यक्ति को कितना और आलू प्याज? 5-5 किलो। अभी तक लगभग कितनी बिक्री हो चुकी है? अभी तक हमारे दुकान से आलू कम से कम 10-11 कुंटल बिक चुका होगा और प्याज भी 6-7 कुंटल बिक चुका होगा। अगर किसी व्यक्ति को लेना हो तो कितने बजे तक? 11 बजे से शाम को 4 बजे तक।